फिरोजाबाद से सपा विधायक ने प्रदेश सरकार पर बोला जुबानी हमला। हाथ कपा देने वाली सर्दी के सितम पर सरकार को अनदेखा करने का लगाया आरोप। कहा नहीं जल रहे अलाव, गरीबों को नहीं बांटे जा रहे कंबल, गरीबों की नहीं सुन रही सरकार। कल शिकोहाबाद में सड़क पर हुई एक गरीब की मौत पर भी बोले विधायक। शिकोहाबाद से समाजवादी पार्टी से विधायक है मुकेश शर्मा। सरकार की मंशा है पैसे बचा लें, गरीबों का हक चुरा लें। कल एक वृद्ध मैं देख रहा था स्वास्थ्य राय पे, ना तो कंबल का इंतजाम, ना कंबल अभी तक बांटे गए, और अलाव जो जलता है हमेशा, अलाव की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कल मुझे मालूम है कि एक वृद्ध जो गरीब थे, सर्दी की वजह से और भूख की वजह से उनकी जो मौत हुई है, दर्दनाक मौत। वास्तव में सरकार संवेदनशील है और सरकार ना तो गरीबों के हित की बात कर रही है, ना नौजवानों के हित की बात कर रही है, ना किसानों के हित की बात कर रही है, ना व्यापारी के हित की बात कर रही है। केवल भाजपा सरकार अपने हित की बात कर रही है और गरीबों का जितना हिस्सा है, जितनी गरीबों के साथ जुल्म जास्ती अत्याचार हो सकता है, सरकार चरम सीमा पे कर रही है। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। वाल्मीकि समाज के शमशान में पानी की टंकी का निर्माण होने पर किया विरोध। आपको बता दें, यह पूरा मामला मुरादाबाद के विकासखंड डिलारी के ग्राम पंचायत बमनिया पंटी में वाल्मीकि समाज के शमशान की जमीन पर पानी की टंकी के निर्माण को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया विरोध। आज बामनिया पट्टी गाँव के लोगों ने एकत्रित होकर पानी की टंकी के निर्माण को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। वही वाल्मीकि समाज के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जमीन हमारे समाज के शमशान की भूमि है। यहाँ पर मरने के बाद बरसों से अंतिम संस्कार किया जाता है और बिना हमें जानकारी दिए यहाँ पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा। यदि शमशान की जमीन पर पानी की टंकी का निर्माण हो जाता तो हमारे समाज के लोगों का अंतिम संस्कार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वही वाल्मीकि समाज के लोगों ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि गाँव में बहुत सी भूमि ग्राम समाज की खाली पड़ी है, उसमें टंकी का निर्माण कराया जाना चाहिए। वाल्मीकि समाज के लोगों ने आगे बताया कि इसकी शिकायत हमने तहसीलदार, उप जिला अधिकारी तथा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की है, जिसका हमें अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया जा रहा। वहीं ग्रामीणों ने आगे बताया कि यदि शमशान की जमीन पर टंकी का निर्माण होने से नहीं रोका गया तो इसका हम वाल्मीकि समाज इकट्ठा होकर जगह जगह आंदोलन करेंगे और वाल्मीकि समाज पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। ये हमारे शमशान है निजी, शमशान में टंकी लग रही है। ग्राम सभा छोड़ते हुए इतनी ग्राम सभा पड़ी हुई है गांव के अंदर, जो कि मतलब वहां टंकी नहीं लग रही है, यानी कि हमारे शमशानों पर टंकी लग रही है। हम लोग कहां जाएंगे जलने के लिए, फूकने के लिए, दबने के लिए कहां जाएंगे हम लोग? अच्छा, ये आपका जो शमशान घाट है, हाँ जी, टंकी का लगाई जा रही है, हाँ जी। अच्छा, ऐसे समाज का है? हाँ जी, ऐसे समाज का है। अब तक कहाँ करता है अंतिम संस्कार? हम यहीं करते हैं। अच्छा, ये जो इसकी बाउंड्री वगैरह हो गई है, काफी इसमें काम हो चुका है क्या? इसकी जानकारी आपको पहले से नहीं थी? नहीं सर, किसी को नहीं जानकारी दी, ना किसी से प्रस्ताव पैदा किया करा है। ये तो फर्जी काम करके तभी इन्होंने अपने आप ही ये काम किया है, सब फर्जी काम है ये। हाँ जी, लेखपाल ने आप बताया था आपको? किसी ने नहीं करा है। ऐसे समाज का ये बालिम समाज का ये संस्थान है, हाँ जी, तो इसकी जानकारी आपको नहीं दी जी सब विभाग ने? जी, किसी ने नहीं दी, नहीं कोई हमारे पास आया, नहीं किसी ने हमसे कहा। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की? जी हाँ, तहसीलदार साहब पे, स्टेट क्या बोले तुम्हारे की अमराबाद डीएम साहब पे, एसडीएम साहब पे, सब पे कर दिया हमने एप्लीकेशन। क्या आश्वासन मिला वहां से? कुछ नहीं मिला अभी तक। हाँ, आप क्या चाहते हो इसमें? अब ये कहना चाहते हैं हम लोग जाएंगे कहाँ, आप ये बताइए, ये हमारे शमशानों में टंकी लग रही है, क्यों लग रही है? अब क्या चाहते हो उसमें? हम ये चाहते हैं इसमें टंकी नहीं लगनी चाहिए। हमारे शमशान में आपका लग दीजिए। हाँ, अच्छा, क्या इसके बाद अलावा ग्राम समाज है गांव के अंदर? गांव के अंदर इतनी है, कम से कम 70-80-90 बीघे जमीन पड़ी है ग्राम सभा की। तालाब पाट पाट के लोगों ने खेत बना रखे हैं, क्या ग्राम सभा नहीं है तालाब में? ग्राम सभा तो वहाँ भी है, कूड़िया पाट पाट के, नाले पाट पाट के, अपनी प्रधान तक ने मतलब वो बना रखी है, क्या वहाँ ग्राम सभा नहीं है? कहाँ ग्राम सभा नहीं है गांव के अंदर, बताइए आप लोग। अच्छा, आपने ग्राम प्रधान से बात करी इस मामले में? नहीं, हम कानून से ही कर रहे हैं, हम ग्राम प्रधान से या किसी से नहीं कर रहे। ग्राम प्रधान तो हम तो एक कमजोर आदमी है, मुर्गी है, गर्दन कोई भी पकड़ेगा हमारी, हम कर नहीं रहे, हम तो कानून से ही शिकायत कर रहे हैं और किसी से नहीं कर रहे हम लोग।
हम यहाँ शमशान घाट में हैं साहब, वाल्मीकि शमशान घाट में खड़े। कौन सा गाँव है? ग्राम बमनिया पट्टी। अच्छा, क्या मामला है आज जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो आप? मामला ये है साहब, हमारे शमशान है, हमारे पूर्व से चले आ रहे, कैपीडी फूक गई इसके अंदर जी, थोड़े से लोग हैं हम दलित जी, और इसमें हमारे ये टंकी का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे, टंकी का निर्माण जो हो रहा है, क्या आपको इसके बारे में मीटिंग वगैरह की आपके साथ मिलकर बैठे? हमारे हमें कोई भी आज तक पता नहीं दिया गया। जब गांव के लोग यहाँ देखने आए तो उन्होंने बताया हमसे कभी तुम्हारे शमशान में टंकी लग रही है, इसलिए हमने फिर शिकायत करी, तहसीलदार साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी, SDM साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं साहब, या तो हमारी इसके अलग दी जाए, इसकी जगह शमशान की अलग दी जाए जी, या फिर हमें गांव से पालन करने को मजबूर हो जाएंगे अगर नहीं दिया गया तो। अच्छा जल्दी, अगर इसमें निर्माण हो गया और आपको जगह नहीं मिली तो क्या कदम रहेगा अगला आपका? कदम क्या रहेगा, हम तो साहब अपने भरोसे बुलाएंगे, वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करेंगे, फिर उनसे आंदोलन करेंगे जगह जगह, मुरादाबाद तक जाके। मुरादाबाद से रहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है, हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विकलांग महिला ने SSP से लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, अपनी फरियाद को लेकर SSP कार्यालय पहुंची ये विकलांग महिला जनपद मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र की है। कुछ महीने पहले गांव के ही लगभग आधा दर्जन लोगों ने दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से उनके पति की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पुलिस ने FIR दर्ज तो कर ली, लेकिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर सकी। विकलांग महिला का आरोप है कि थाना बलदेव पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही, और उन्होंने कई बार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, परंतु आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी। विकलांग महिला ने SSP मथुरा से अपनी न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेगी। यहाँ पर क्यों आई है, क्या बात हो गई थी? हमारे आदमी मार दिए थे। किन लोगों ने मार दिए? धनीधर दया शंकर। अच्छा, क्यों मार दी थी? खेत पे गए थे काम कर रहे। अच्छा, फिर मैंने कुल्हाड़ियों से काट दिए। गांव के ही लोग हैं? कौन लोग हैं वो? गांव के ही हैं। अच्छा, तो पुलिस में रिपोर्ट हो गई, FIR हो गई? हाँ है। अच्छा, यहाँ क्यों आए आप, किस लिए आए, क्या चाहते हैं आप? गिरफ्तारी चाहते हैं। अभी गिरफ्तार नहीं हुए कोई भी लोग? कितने लोग थे पूरे? छह लोग, दो अज्ञात। तो अब आप गिरफ्तारी के लिए आए हैं? उन्होंने कितना समय हो गया? करीबन 2 महीने से ज़्यादा, 31 अक्टूबर। अच्छा, 2022। ठीक है, मिल लिया साहब से? साहब से मिल लिया, साहब कहते गिरफ्तार होंगे, अनुशासन देते हैं। हाँ, बलदेव थाना, बलदेव के रहने वाले हैं, थाना बलदेव है, मथुरा साहब आए, भाभी के साथ आए। हमारे क्यों आए, क्या हो गया था? हमारे भाई को कुल्हाड़ियों से काट दिया था 31 अक्टूबर लगभग 2 बजे। उसमें नाम दर्ज FIR है, और FIR में नाम है धनीधर, दया शंकर, बालकिशन, राजेंद्र, मुकेश भगवत, दो अन्य। आज तक हम पुलिस साहब हमारी भाभी कप्तान साहब के लिए कभी 5-6 बार मिल चुकी हैं, कोई अभी तक हमारी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हमारे मार ढोकर खा रहे हैं, गरीब आदमी है, क्या चाहते हैं आप? हम उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं साहब। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है, थाना हाईवे इलाके के थाने में चंद कदमों की दूरी पर उस समय हड़कंप मच गया जब कांग्रेस के नेता एवं पूर्व युवा जिला अध्यक्ष आशुतोष भारद्वाज ने हाईवे थाने में चंद कदमों की दूरी पर हलवाई की दुकान चलाने वाले नरेंद्र सिंह नामक युवक को दुकान के सामने पेशाब करने को लेकर हुए विवाद में गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आनन फानन में घायल युवक को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसे आगरा रेफर कर दिया गया। वहीं आरोपी कांग्रेस नेता आशुतोष भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल युवक के परिजनों ने कांग्रेस नेता पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। बताया जाता है कि हलवाई की दुकान नरेंद्र से पेशाब के मना करने पर लेकर हुए विवाद में कांग्रेस के नेता आशुतोष भारद्वाज द्वारा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से नरेंद्र को गोली मार दी, जिससे वहां गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घायल युवक के परिजनों का आरोप है कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाले आशुतोष भारद्वाज ने नरेंद्र को गोली मारकर उससे घायल कर दिया। उन्होंने कांग्रेस नेता आशुतोष भारद्वाज पर चौथ वसूलने का भी आरोप लगाया। SP City MP सिंह का कहना है कि
इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाले आशुतोष भारद्वाज ने नरेंद्र नामक युवक को गोली मार दी। इस मामले में आशुतोष भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला ये था, ये आतुसूत नाम का व्यक्ति दो तीन आदमी के साथ में आया था, तो इन्होंने सुबह आया था 8-9 बजे, जब हमारा भतीजा जो का दुकान खुला था, तो इसने बोला जो का 10,000 रुपये महीने जो का चौधानी पड़ेगी, वरना तुझको यहाँ दुकान नहीं चलाने देंगे। तो इन्होंने कहा भैया जो का हम तो किसी को चौथ नहीं दे सकती, थाने के सामने बैठे फिर भी चौथे का क्या फ़ायदा थाने का, तो इतना कह के भाई साले तुझको बताएंगे इसका। मांगने वाले युवक का क्या कुछ नाम है? आशुतोष भारद्वाज जी। क्या करते हैं? सनप गोपाल शर्मा। क्या करते हैं ये जो? अब मुझे क्या जानकारी है, मैं क्या उसका रिश्तेदार हूँ। आसपास के रहने वाला? हाँ, ये इंद्रप्रस्थ का रहने वाला है ऐसा सुना है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद में? जो कहा ये शाम को जो कहा नरेंद्र बैठा था हमारा भतीजा, और आए 2-4 आदमियों के साथ में आया, और इन्होंने जो कहा आते ही गोली मार दी। कितनी गोली मारी? 3 गोली मारी है। कैसी हालत है जिनको गोली मारी है? हालत गंभीर है। क्या नाम है जिनको गोली मारी है? नरेंद्र सिंह। क्या उम्र रही होगी? उम्र है करीब 27-28 साल। किस चीज़ की दुकान चलाते हैं? ये हलवाई की दुकान चलाती है। अच्छा, ये जो व्यक्ति जिसने गोली मारी है, जो चौथ की आप बता रहे हैं, ये कोई नेता वेता भी बता रहे हैं? अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं, जो है वो मैंने आपको बताया। अब यथा स्थिति क्या है पीड़ित की और कहाँ एडमिट है? स्थिति अभी जो है FIR दर्ज करा रहे हैं और वो हॉस्पिटल में जो है जिसकी गोली लगी। थाना हाईवे में लक्ष्मण सिंह जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रहने वाले हैं, आकर सूचना दी कि कल दुकान बंद कर वापस जाते समय उसके बेटे नरेंद्र को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रहने वाले ही आशुतोष भारद्वाज ने अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मार दी है, जो उसके पैर में लगी है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए आशुतोष भारद्वाज को गिरफ्तार की, उसके पास से उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद की गई है। आशुतोष को पुलिस जेल भेज रही है, घटना की जांच की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई जल्द से जल्द पूर्ण की जाएगी। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा राजीव भारती की अध्यक्षता में दिनांक 21 जनवरी 2023 शनिवार को दोपहर 2 बजे से आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय मथुरा में किया जा रहा। ट्रायल बैठक का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के विश्राम कक्ष में किया गया। इस बैठक में नोडल अधिकारी, लोक अदालत अपर जिला जज अभिषेक पांडे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा नीरू शर्मा सहित अन्य अपर जनपद न्यायाधीशगण तथा आर्बिट्रेशन वादों से संबंधित मथुरा जनपद के फाइनेंस कंपनियों के अधिकारी व नमित पैनल अधिवक्ता उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों व अधिवक्ताओं के साथ जनपद न्यायालय मथुरा में लंबित आर्बिट्रेशन वादों के अधिक से अधिक संख्या में विशेष लोक अदालत में निस्तारण कराए जाने हेतु विचार विमर्श किया गया तथा अधिकतम आर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण किए जाने हेतु निर्देश दिए गए। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। भाजपा नेता को लश्करे खालसा की धमकी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री को परिवार सहित अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने के बाद थाना छजलेन में मुकदमा दर्ज किया गया। मुरादाबाद पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है, क्योंकि धमकी देने वाले व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगी संघ सहित सभी हिंदूवादी संगठनों को भी जोड़ा है। भाजपा नेता वीर सिंह सैनी का आरोप है कि धमकी देने वाले ने उसे भाजपा छोड़ने के लिए आगाह किया है और कहा कि जब वो लोग तुम्हारे हिंदूवादी संगठनों को नहीं छोड़ते तो तुम क्या चीज हो। धमकी देने वाले ने मैसेज के माध्यम से खुद को लश्करे खालसा का संदीप सिंह खालिस्तानी बताया है। आपको बता दें कि धमकी मिलने के बाद से भाजपा नेता वीर सिंह घबराए हुए हैं, जिसके बाद से उन्होंने थाना छजलेन में शिकायत देते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में जानकारी देते हुए SP ने बताया कि एक भाजपा नेता ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। 4 तारीख की रात्रि का 11:30 बजे का मामला है और अननोन नंबर से मुझे वीडियो कॉल आई, मैंने वीडियो कॉल नहीं उठाई तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे धमकी आई है, या तो भाजपा छोड़ दे या फिर तुझे मार दिया जाएगा और उसी के साथ तेरे परिवार को भी कुत्ते की मौत मारेंगे। क्या जिस नंबर से धमकी आई है उसका आप जानते हैं किसी को? जी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा,
क्या लिखा हुआ है चैट में, जो आपकी चैट है उसके बारे में बताएंगे? हाँ, उसमें लिखा हुआ है, तेरी क्या औकात है, जब हम आरएसएस में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिसे आरएसएस हम लोग कहते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है और इंडियन आर्मी और सीएम योगी को नहीं बख्श सकते, तो हम तेरे पास तो कौन सी सिक्योरिटी रखी है, आप कुत्ते ही मौत मार देंगे। भाजपा में कार्यरत हैं आप, क्या पद है आपका? भारतीय जनता पार्टी में इस समय जिला मंत्री का दायित्व है किसान मोर्चे से मेरे पास। कब से काम कर रहे हैं आप भाजपा में? मैं भाजपा में काफी समय से कार्य कर रहा हूं और इस समय भी मौजूदा हूं। उससे पहले मैं उसमें हिंदू जागरण मंच में जिला मंत्री था पूर्व में। जो धमकी भरे मैसेज आए हैं आपके पास, क्या आपने इसके पुलिस कार्रवाई की इसमें? जी, मैंने FIR लिखवाई है, शहीदघाट थाने में अपने प्रार्थना पत्र दिया था, उन्होंने वो रजिस्टर करने के बाद मुझे दे दिए चढ़ा के। अच्छा, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने ये आश्वासन दिया है, आप घबराओ मत, मुझे वोट, मेरे परिवार को डर लग रहा है कि आप घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के द्वारा थाना छजलेट पर एक सूचना दर्ज कराई गई है, जिसमें उनको अज्ञात नंबर से धमकी दी गई है। इस सूचना को तत्काल दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण। खबर फिरोजाबाद से है, प्रसूता और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों की नाराजगी देखते हुए पुलिस बल की अस्पताल में पहुंच गई। आपको बता दें, दरअसल पूरा प्रकरण थाना उत्तर के महिला जिला अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जहां एक महिला की डिलीवरी होनी थी, खून कम था, डॉक्टर ने खून के यूनिट का इंतजाम करने को बोला था, किसी तरह इमामदारों ने खून की व्यवस्था की, तब तक एक बच्चा महिला ने जन्मा, जिसकी भी मौत हो गई। परिजन मृतक बच्चे के अंतिम संस्कार में लग गए और अस्पताल कर्मियों से महिला को ब्लड चढ़ाने के लिए भी कहा। मृतक महिला के परिजनों का कहना है कि कई बार कहने के बाद भी किसी ने महिला को ब्लड नहीं चढ़ाया, जिसके चलते देर रात महिला की भी मौत हो गई। पल भर में जिस घर से सुबह तक लोग नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन सारी तैयारियां, खुशियों पर ग्रहण लग गया और दो लोगों के मौत के बाद परिवार सदमे में गया। इतना ही नहीं, परिजनों को पुलिस ने बेरुखी से भी दो चार होना पड़ा। जी, मैं, मेरी भाभी है, मैं इनका देवर हूँ। हमने प्रशासन को बुलाया था, हमने उनसे कंप्लेन करी तो वो कहते हैं कि आप दंगिया ही हैं। हम अपनी बात भी नहीं कह सकते, हमारा मरीज मर गया, वो हमसे दंगिया ही कह रहे हैं। बताइए, हम इस चीज़ के लिए भी दंगा करेंगे? हम कैंसर के मरीज हैं तो इस हालत में भी हम दंगिया ही करेंगे? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासन पूरा पूरा सपोर्ट कर रही है, हमें आतंकवादी कह रही है। बताइए, हम आतंकवादी हैं? अभी क्या हुआ है? अभी ये हमारी भाभी ख़त्म हो गई। हाँ, तो हम दफीना हो रहा था, हमारे भतीजे का छोटा, जिनकी डिलीवरी हुई थी ना अंदर, तो उनके दफीने के लिए गए थे हम। वहाँ दफीना जो कंधे गए थे, वहाँ से खबर आती है, छोटा हमारा भतीजा रोका था, वो कहता चाचा कि खाला की तबीयत खराब हो गई है, आप जल्द से जल्द आ जाओ। हम पानी भी नहीं पी पाए, तुरंत भग के आए, तो यहाँ पर जब तक खेल हो चुका है। दोनों की मौत, मृत्यु हो गई? दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या चाहते हैं हम? हम ये चाहते हैं सख्त से सख्त इनके संग कार्रवाई होना चाहिए। हॉस्पिटल की लापरवाही? हाँ, हॉस्पिटल की लापरवाही है। इसके तहत के दूसरे पे कोई ऐसी वो नहीं आ पाए। जाना है जी, क्या नाम है? मैं, इन लोगों ने क्या 6.5 पॉइंट खून है, इनके ब्लड चढ़ाएगा, तो मैं ब्लड निकलवाने के लिए ब्लड बैंक गया और फिर वहाँ से क्या ब्लड लेके आया, तो इन लोगों ने कहा कि आधे घंटे के लिए गर्म करने के लिए रख लो। अच्छा, तो इन लोगों की लापरवाही की वजह से मुझे कहना बाहर निकाल दिया गया बार बार, कहना मैं 1.5 घंटे के बाद फिर मैं अंदर आया, मैंने मैडम देखना तो उन्होंने चेक करके कहा तो कहने लगी कि दोबारा रख जाओ वहाँ पे ब्लड, तुम्हारी बीबी की फीवर आ गया है। अच्छा, तो बाद में चढ़ाएगा। तो वहाँ पे मैं ब्लड जमा करने के लिए गया, उन लोगों ने मेरे साथ में बदतमीजी करी, गाली गलौज दिया, फिर मैं दोबारा इनके पास आया तो यहाँ भी मैंने इन लोगों से बदतमीजी करी थी। फिर क्या हुआ? और फिर उसके बाद में क्या नाम है, मेरी बीबी के लोग कह लगे कैसा है, आप अपनी बीबी को यहाँ पे लिख के दे दो, तुम अपनी बीबी को अपनी मर्जी से घर ले जा रहे हो। अच्छा, मैं बाहर गया, मेरी बीबी के दर्द चालू हो गए, फिर मैं अंदर आया, अंदर आकर मेरी बीबी के बेटा हुआ, उसको भी क्या नाम है, मेरा लड़का ख़त्म हुआ। अच्छा, 7:10 पर मेरा बेटा ख़त्म हो गया था। और क्या नाम है, फिर मेरी बीबी के घबराहट चालू हो गई, मैं अपने बेटे का दफीना करके घर से जब वापस आया तो मेरी बीबी के घबराहट चालू हो गई, फिर कहने लगी चाह ब्लड लेके आया जो तुमने हमें ब्लड दिया है। तो मैं ब्लड लेके आया, ब्लड लेने के बाद फिर भी मैं ब्लड रखा रहा, फिर मैं 2 दिन के बाद दिखाने के लिए गया तो कहने लगे अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मेरी बीबी की जब वो ड्रिप चढ़ रही थी तो मेरी बीबी के वो ड्रिप ख़त्म हो गई, तो क्या नाम है, बुलाने के लिए गया तो लोगों ये कहने लगे कि जाओ अभी हमने नहीं निकाले, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, जाओ अपने हाथ से निकाल लो। फिर मेरी बीबी की घबराहट ज़्यादा हो गई, उसमें मेरी बीबी का डेथ हो गया। तो क्या मानते हैं कि लापरवाही की वजह रही है? हाँ, ये सब डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से है। और क्या नाम है,
अगर हम गरीब आदमी हैं, मैं छोटे छोटे दो बच्चे हैं, बताइए हम कहाँ क्या करें। आप ब्लड था आपके पास? हाँ ब्लड था, ब्लड मेरे पास जाएगा, अभी भी रखा हुआ है। ब्लड नहीं चढ़ाया? ब्लड नहीं चढ़ाया लोगों ने। कोई स्टाफ नहीं आया ना कोई डॉक्टर? कोई स्टाफ नहीं आया ना कोई डॉक्टर आया, मतलब दोनों की मौत हो गई है ना। हाँ तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ क्या नाम है, इन लोगों की लापरवाही की वजह से इन लोगों को क्या नाम है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इनकी नौकरी छीन ली जाए। कहाँ के रहने वाले? मैं कोटले महल्ले का रहने वाला हूँ, लंबी गली मकान नंबर 85, मेरे बाप का नाम अब्दुल गनी है, थाना दक्षिण है। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है, अवैध शराब की तस्करी करने वाले दो तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जनपद मथुरा की थाना कोसी करा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को 20 लाख रुपए से ऊपर की अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चंडीगढ़ से लगभग अवैध अंग्रेजी शराब की 250 पेटियां, जिनकी कीमत बाजार में 20 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही, साथ ही गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी जिस कंटेनर से शराब की तस्करी कर रहे थे उस कंटेनर को भी कब्जे में ले लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी चंडीगढ़ से सस्ती शराब खरीदकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध शराब की आर्थिक लाभ के चलते तस्करी किया करते थे। पुलिस के अनुसार गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा। प्रेस वार्ता कर SP ग्रामीण त्रिगुण बिसेन ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली कि थाना कोसी कला के कोटवन पर एक कंटेनर फर्जी प्लेट लगाकर शराब तस्करी के लिए ले जाए जा रहे। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा कंटेनर ड्राइवर सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया। यह दोनों ही राजस्थान के रहने वाले हैं, साथ ही इनके कब्जे में 250 पेटी शराब बरामद हुई है जिसकी लागत 20 लाख रुपए से अधिक है। आज दिनांक 5/1 को कोसी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध शराब भर करके उसको जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और अन्य इलाकों में सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी लगाई गई थी जिसमें चेकिंग हो रही थी। इसमें एक इनको कंटेनर पकड़ में आया जिसमें कि 250 पेटी इंग्लिश शराब जो जिस पर चंडीगढ़ का मार्का लगा हुआ है वो बरामद हुई। इस शराब से संबंधित ये लोग कोई प्रपत्र नहीं दिखा सके। जो कंटेनर था उस पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थी। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके की नाम जो है लक्ष्मण और महेंद्र हैं। ये दोनों जो हैं राजस्थान के रहने वाले हैं। इस पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कितने की लागत होगी? इस बरामद शराब की कीमत लगभग 22 लाख रुपए है और इसको जब्त करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शराब का लगातार काम करने देखिए, ये सब चीज़ें पूछताछ का विषय है और इसको हम लोग जो है आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार विस्तृत पूछताछ और इनके अन्य जो कनेक्शन है कि किसने भेजी थी इसका भी पता लगाया जा रहा है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है, अवैध संबंधों से बुआ के कहने पर की थी फूफा की हत्या। पुलिस ने हत्या आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर भेजा जेल, बुआ की तलाश में है जुटी। आपको बता दें फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहा पर नव वर्ष के पहले ही दिन हुए हत्या का थाना पुलिस ने सर्विलांस टीम के साथ मिलकर खुलासा कर दिया। हत्या अवैध संबंधों में बाधा बने मृत की पत्नी के अपने प्रेमी भतीजे के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने हत्या में वांछित चल रहा 10,000 का इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि फरार चल रही मृतक की पत्नी की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है। SP ग्रामीण रणविजय सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 1 जनवरी को दोपहर मलखानपुर रोड के समीप पवन भट्टा के पास प्लाट में एक शव मिला था जिसकी शिनाख्त नईम निवासी मोहल्ला शीशागर बिजली घर के पीछे सिकंदराव जिला हाथरस के रूप में हुई थी। मृतक की बहन साराया खातून ने दर्ज कराई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने घटना को अधिक गंभीरता से लिया और दो टीमें गठित कर घटना के शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए। इस बीच प्रभारी निरीक्षक हरवेंद्र कुमार मिश्रा ने प्रकाश में आए हत्यारोपी शाहरुख निवासी शंकरपुरी को कर उसके खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। थाना पुलिस और बदमाश को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया। उन्होंने घटना के शीघ्र अनावरण पर थाना पुलिस और सर्विलांस टीम को प्रायश्चित पत्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया। उसके बच्चे 6। जिसे मैं मारा उसे मैं सो रहा था कि वैसे मतलब उसको लिटा दिया था। कैसे मारा? दारू पी के वो लग गया था।
दारू पीना बिगड़ का था बहुत वही बड्डे के पास ही। हाँ बड्डे के पास ही पहले मजदूरी करते थे वहीं पर। तुम भी नहीं तो तुम क्या करते हो? मैं टेलरी मजदूरी बैंड का काम करता हूँ। और ये जो मजदूरी करता है नहीं मजदूरी करता था ये जी नहीं करता था। दस साल से नापे आके 10 साल से नहीं कर रहा है। किस चीज़ का काम कैसा काम करता था? वही मजदूरी लेंटर वाला बेलदारी का काम बेलदारी लेंटर ठीक ले। फिर क्या हुआ इन्होंने उसने भी कुछ कहा था महिला ने? उसने भी जो बोला था मुझसे 2 महीने तक उसको मार दो मार दो मार दो। एक तारीख को शिकोहा थाना क्षेत्र में एक पवन भट्टा है वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तहसील शिकोहा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर विधिक कार्रवाई की गई। जो डेड बॉडी थी उसकी पहचान के लिए प्रयास किए गए और वह जो मृतक था वहाँ पे उसके बारे में पता चला ये नईम नाम है इसका और ये वहीं पर रहता था अपने परिवार के साथ मजदूरी का काम करता था। और जब हम लोगों ने हमारी टीम ने छानबीन शुरू की उसमें हमारे जो SOG सर्वांश की टीम है उसने भी बहुत अथक प्रयास किए और सबकी सहायता से हम लोगों ने इस मामले को वर्कआउट किया है। इसमें बेसिकली जो नईम जो मृतक है उसका ही अपना एक रिलेटिव है जिसका नाम शाहरुख है ये उसका भतीजा लगता है और इसका मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध हो गए थे। तो ये जो मृतक की पत्नी और ये जो जिसने जो शाहरुख नाम का जिसने मर्डर किया इस दोनों ने प्लान करके नईम को घटना के दिन शराब पिलाई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इसमें हम लोगों ने शाहरुख को अरेस्ट कर लिया है। इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी था और उसके बाद जो एक अभियुक्ता है जो मृतक की पत्नी है उसकी अरेस्टिंग के लिए हमारी टीम लगी हुई है। बाकी हमारे तरफ से जो हमारी टीम है जो SHO शिकोहाबाद की टीम है जो SOG की टीम है उसको प्रशस्ति पत्र दिया गया है और बाकी जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत करके इसको वर्कआउट किया है उसमें आगे भी इनको प्रशस्ति करने के लिए चिट्ठी लिखी जाएगी। फरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। विद्युत विभाग के JE साहब नशे में इतने धूत वीडियो हुआ वायरल। गाड़ी में बीच रोड पर ही गाड़ी को खड़ी करके नशे की हालत में सो गए विद्युत अधिकारी। ट्रैफिक जाम होने के कारण स्थानीय लोगों ने देखा कि नशे की हालत में धुत होकर 2 व्यक्ति अल्ट्रो कार के अंदर पड़े हुए हैं। अल्ट्रो कार में नशे की हालत धुत विद्युत विभाग के JE साहब खुद हैं। सरकारी विभाग के लोग इस तरीके की हरकत को अंजाम देंगे तो आम आदमी क्या करेगा? कहां जाओगे? यहां कैसे खड़े हो? बिजली विभाग में कौन है? इधर देखो, इधर देखो, उधर से खींचना फोटो। तुम्हें क्या लगा तुम फोटो नहीं खींच पाएंगे? क्यों खड़े हो? मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ। कहाँ से आए हो? उस जगह चोरी हो जाए कभी है जा किसकी जिम्मेदारी है? एक्सीडेंट है जा बस पुलिस को मरने को है। पुलिस वही तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई घटना हो जाती है तो वो पुलिस की आफत है। कोई घटना हो जाती है तो पुलिस की आफत आती है। अरे JE साहब इतनी पीने की क्या जरूरत है? अभी चोरी है। देखना क्या हो रहा है रोड पर, इतनी क्यों पी ली है आपने? आप तो पढ़े लिखे सरकारी आदमी है फिर भी ये हालत है आपकी। अरे विभाग के लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो आम जनता क्या करेगी आप जो बताइए? सही बना रहे हैं।
लिमिट से ज्यादा शराब पी रखी है, लिमिट से ज्यादा दारू पी रखी है, नौ लिमिट शराब पी के गाड़ी बेहोश चला रहे हैं। देखो ये क्या कंडीशन, वो तो हम लोग भी देख रहे हैं कि ऑन रोड रोड के सहारे गाड़ी लगा रखी है। वो तो ये धक्का से कर दिया, नहीं बीच रोड पे कर रखी। अच्छा, आप लोगों ने इसको धक्के से साइड किया है और क्या, उसके बाद ये यहाँ पर देख लो हालत। आप क्या कहना चाह रहे हो दादा? कुछ नहीं, क्या है नशेबाजों के हाल, ये क्या करें सर? बता रहे हैं बीच रोड पर दारू पीकर गाड़ी खड़ी कर ली थी। कोशिश की सर हटाने की, बस नहीं है। काफी आप लोगों ने प्रयास किया, जगी नहीं रहा, कोई नहीं जग रहा, नशे की हालत में धोते हैं। और क्या जानकारी लग रहा है, पीछे गाड़ी की पीछे उत्तर प्रदेश सरकार भी लिखा हुआ है। और क्या, अगर सरकारी एम्प्लॉई ऐसी हरकतों को अंजाम देंगे तो ये देश कैसे चलेगा? आम जन जब सरकारी अधिकारी ऐसे कामों को करेंगे तो आम जनता क्या कर नहीं कर सकती है? रोड पर अगर कोई गरीब आदमी दारू पीता है तो उसके लिए भगा दिया जाता है, लेकिन ये सरकारी विभाग के लोग हैं जो खुलेआम दारूबाजी कर रोड पर पड़े हुए हैं, इनके लिए कहीं कोई कानून नहीं है, इनके लिए कहीं कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है। हमारा लिहाजा प्रशासन से निवेदन है, डीएम साहब से निवेदन है कि ऐसे नशेबाजों के साथ सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।